नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 43 इसकी। प्रैक्टिस सेट 43 के विषय में बात करेंगे किसकी, प्रैक्टिस सेट 43। इसके पहले हम लोगों ने 42 में एक से लेके 55 प्रश्नों को सॉल्व किया था। उसी क्रम में आगे हम लोग सॉल्व करेंगे 56 से टोटल 125 क्वेश्चन तक। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले अगले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए सॉल्व करते हैं आज की पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ? अजंता, सबसे पहले अजंता है कहाँ मित्रों? यह है जो कि औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो कि महाराष्ट्र का यह जिला है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। टोटल इसमें गुफाओं की संख्या 30 है। कितनी? 30 है। और इनका मुख्य विषय जो है, मुख्य विषय वह बौद्ध से है। इससे बौद्ध से है, बौद्ध से है। और बौद्ध की जातक कथाएं, जो कि जातक कथाएं की कुल चित्रित जो कि 547 है अजंता में। कितनी? अजंता में। वही अजंता की अगर भाषा की बात की जाए तो भाषा है पाली। क्या है? भाषा है पाली। तो यह है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? गुफाओं का निर्माण, ऑप्शन नंबर बी, गुप्त। देखिए, होता तो सातवाहन और गुप्त काल में अजंता की चित्र का, लेकिन सर्वश्रेष्ठ चित्रांकन जो कि गुप्त काल में होता है। इसमें गुप्त काल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग आयातित होता था। अजंता में नीला जो रंग प्रयुक्त होता था वह कहां से आयातित होता था? ये ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। अजंता में जो कि काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है मित्रों, कौन सा? काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ है। इसमें जो कि तीन शैलियों का हमको वर्णन मिलता है। इतिहासकार जो कि लामा तारानाथ ने बौद्ध चित्रकला की जो कि तीन शैलियों का वर्णन करते हैं। पहला है देव शैली, दूसरा है नाग शैली, तीसरा है यक्ष शैली। और अजंता में मित्रों दो प्रकार की गुफाएं मिलती हैं। एक तो है चैत्य, दूसरा है बिहार। तो चैत्य का मतलब होता है मित्रों जो कि उपासना स्थल, जो भी बौद्ध भिक्षुओं का उपासना स्थल या पूजा गृह कहा जाता है। और बिहार का मतलब होता है उनके जो रुकने या आवास गृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाराम कहलाती है, संघाराम कहलाती हैं। क्या? संघाराम। तो संघाराम जो कि बिहार गुफाएं होती हैं। क्या है? बिहार गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक है, भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक है।
भारतीय भित्ति चित्रण तकनीक। तो ये ऑप्शन नंबर डी टेम्परा। फ्रेस्को का जो कि फ्रेस्को सिस्को कौन सा सूखी पद्धति का प्रयोग हमें कहाँ मिलता है, तो अजंता में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हेटर जाने जाते हैं क्या, विलियम हेटर जाने जाते हैं, विलियम हेटर। तो ये ऑप्शन नंबर सी, विस्कोसिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं, किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। तो ये शैली है पाल शैली, कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल शैली में चित्रित पोथियां बनी हैं। पाल शैली में चित्रित पोथियां बनी हैं, पाल शैली में चित्रित पोथियां बनी हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी, ताड़ पत्रों पर। सर्व प्राचीन चित्र जैन ग्रंथ है, सर्व प्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ है, सर्व प्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी, कालकाचार्य कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है। जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, सित्तन वासल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है। सर्वप्रथम कागज पर की गई चित्रकारी प्राप्त होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश शैली। क्या है अपभ्रंश शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मी मूल के रिचर्ड बार्थो लम्यू 1926 से 85 को किस रूप में जाना जाता है। रिचर्ड बार्थो लम्यू को किस रूप में जाना जाता है। रिचर्ड बार्थियो मिल्यू जो कि एक कला समीक्षक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो ये आलम हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चल टाइप का आविष्कार हुआ था। चल टाइप का आविष्कार हुआ था। तो ये ऑप्शन नंबर बी, 1040 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है? टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है? तो औरंगाबाद नामक गांव जो कि ऑप्शन नंबर डी, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरी फोरस का मूर्तिशिल्प कौन था? डोरी फोरस का मूर्तिशिल्पी कौन था? नेक्स्ट तो ये ऑप्शन नंबर सी, पाल क्लीतस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध है? रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध है? रीना बंसल। जो कि ऑप्शन नंबर ए, चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, 27 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमीमल आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? धूमीमल आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंची इमारत है, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो कि ऑप्शन नंबर सी, बुर्ज खलीफा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित एक कलाकार भी थे, वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित एक फिल्मकार भी थे? ये ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2001 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार हैं? राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ये राम चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय कला संग्रहालय का सबसे बड़ा संग्रहालय है, आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? रिम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? रिम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग। ये ऑप्शन नंबर डी, नाइट वॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन, थेवा कला प्रचलित है,
थेवा कला प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ई, प्रतापगढ़ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय चित्रकला का पिता है? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, रामकिंकर बैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रंप ऑफ लेबर किसकी कृति है? ट्रंप ऑफ लेबर किसकी कृति है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, डीपी राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएस गायतोंडे द्वारा 1955 ईस्वी की तैल रंग से निर्मित भारत की वह सबसे महंगी पेंटिंग जिसे क्रिस्टी की नीलामी में 29,30,25,000 रुपए प्राप्त हुए, क्रिस्टी की नीलामी में 29,30,25,000 रुपए प्राप्त हुए, किसकी है? बीएस गायतोंडे की। तो वह है अनटाइटल्ड, ऑप्शन नंबर ए, शीर्षकहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रांकन हुआ? शुरुआत तो हुमायूं के समय में होती है, लेकिन ये है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे पूर्व का राफेल कहा जाता है? किसे पूर्व का राफेल या राइफेल कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, बेहजाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? यह ऑप्शन नंबर सी, दस्तान अमीरे हमजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था? अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार था? तो ये ऑप्शन नंबर बी, मिस्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार था? जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार था? तो यह ऑप्शन नंबर डी, अबुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए। मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर सी, टेम्परा। जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी? जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति चित्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलमकारी किस प्रदेश की
लोक कला है। कलम कारी किस प्रदेश की लोक कला है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? रंग चूर्ण से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, रंगोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न मान वाले वर्ण का नाम है। निम्न मान वाले वर्ण का नाम है निम्नतम या निम्न। तो ये ऑप्शन नंबर ए, काला। घन की कितने पहलू होते हैं? घन के कितने पहलू होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी, 6 पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कलाकार को 2018 का पद्म विभूषण सम्मान दिया गया? 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मण पै। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम एवं खद्दर की पहचान होती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, टेक्सचर और बुनावट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पीला और नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्गलियाने द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर $4.2 मिलियन में खरीदा मुद्गलियाने द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर $4.2 मिलियन में खरीदा। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, टेटे। क्या है? टेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। चित्र रचना संभव नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, धरातल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं? प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए, चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता
है। ये ऑप्शन नंबर डी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की? पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की? पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की? तो ये है ऑप्शन नंबर ए मैट काप। पहाड़ी शैली की नींव रखी थी, पहाड़ी शैली की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर ए मुगलिया चितेरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत पेंटिंग ग्रंथ किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि हासिल की, वही कांगड़ा की कला में प्रेम की अंकन में हुए उपयुक्त कांगड़ा के विषय में किसका है? चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण में जो उपलब्धि हासिल की, वही कांगड़ा की कला में प्रेम की अंकन में हुई उपयुक्त वक्त कांगड़ा के विषय में किसका है? तो ये ऑप्शन ए आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितनी प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? तो यह टोटल 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच आप इनोनेंस के चित्रकार का नाम बताइए। एज आप इनोसेंस के चित्रकार का नाम बताइए। ये जाप इनो सेंस। तो ये ऑप्शन नंबर ए रिनोल्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये ऑप्शन नंबर डी जेसी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? चंबा के रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो ये ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोन बेयर किससे निर्मित होता है? स्टोन बेयर किससे निर्मित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी क्ले। कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा, कांगड़ा
चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा है? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए, जेसी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रों में स्वर्ण की कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ? चित्रों में कीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त और कहाँ हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर बी, बसोहली में। कहाँ पे? बसोहली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? ऑप्शन नंबर डी, प्लेनो ग्राफी। बसोहली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? बसोहली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, आपका नेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी कौन सी है? जोगी मारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है? प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है? तो यह ऑप्शन नंबर सी, आखेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता है? तो प्रागैतिहासिक चित्र मित्रों ऑप्शन नंबर सी, रेखा प्रधान है। क्या है? रेखा प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर बनी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर बनी है? ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी से। किससे? मिट्टी से। प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारत वर्ष में किस क्षेत्र में हुआ? सर्वप्रथम खोज भारत वर्ष में किस क्षेत्र में हुआ? प्रागैतिहासिक चित्रों का। तो ये ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4.5 इंच
27.5 सेमी ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? 4.5 इंच 10.5 सेमी ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? तो यह ऑप्शन नंबर ए मोहन जोदड़ो। इंडियन पेंटिंग इन पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग इन दी हिल्स इन दी पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग के लेखक कौन है? इंडियन पेंटिंग इन दी पंजाब हिल्स। तो ये ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू जी आर्चर। कौन है? डब्ल्यू जी आर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटे दी फेम डोगामार किसके द्वारा निर्मित ब्रांज प्रतिमा है? किसके द्वारा निर्मित ब्रांज प्रतिमा है? कौन सा? टेटे दी फेम डोगामार किसके द्वारा निर्मित ब्रांज प्रतिमा है? तो ये ऑप्शन नंबर बी पिकासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? किसकी? विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? तो यह ऑप्शन नंबर ए घनवाद। क्या है? घनवाद। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर सी जोगी मारा। सेकेंड लास्ट, मैंडवीड दाग के मूर्तिकार का नाम बताइए। मैंडवीड दाग के मूर्तिकार का नाम बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर सी ध्रुव मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की? भीमबेटका के चित्रों की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।